पब्लिक की समस्या को कैसे निपटाया जाए उसके ऊपर लोगों से चर्चा चलती रहती है। और आज यहाँ ताजिया के अंदर भी इसी प्रकार से सभी साथियों से मुलाकात भी करी है और कैसे आगे संगठन के भी और सरकार के तौर पर डेवलपमेंट वर्क चलाए जाए उस पर काम किया जाए। भाई भगत सिंह जी के नाम पर पार्क, आज ये पार्क जैसी व्यवस्था यहाँ नहीं। मैं पीछे आया था जब दो कमरे यहाँ पर बनाए थे। आज शिक्षा के अंदर हमारा संकल्प भी है कि प्रदेश में मॉडल लाइब्रेरीज गांव लेवल पर बनाई जाए और इसी को देखते हुए दोनों कमरे बनने के बाद से लेके आज तक खाली पड़े। अब उस चीज़ के अंदर आज इन साथियों से आग्रह किया है कि अगर पंचायत रेजोल्यूशन देती है तो इसको लाइब्रेरी के स्वरूप में हम कन्वर्ट करेंगे कि ग्रामीण अंचल में वो शिक्षा की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। देखो शहीद आजम भगत सिंह अपने आप में एक संस्था थे, एक इंस्टीट्यूशन थे और युवाओं के लिए आज भी देश भर में प्रेरणा है। और मैं तो सौभाग्य मानता हूँ कि जो प्रयास मैंने और सरदार भगवंत मान ने मिलकर शुरू किया उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया और अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट ने शहीद आजम के नाम पर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ के तौर पर उसको जाना जाएगा। अब जो भी व्यक्ति चंडीगढ़ में जहाज पे चढ़ेगा वो हमारे उस वीर योद्धा को, अमर शहीद को नमन करते हुए जाएगा, नमन करते हुए वहाँ पर उतरेगा। और अब मैं मानता हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आने वाली जनरेशन को भी शहीद भगत सिंह के बारे में सीखने को मिलेगा। और जो उनने बात कही थी अ मैन कैन बी किल्ड नॉट इज आइडिया, उस चीज़ पे मैं मानता हूँ कि देश आगे बढ़ेगा कि जो आज़ादी क्रांति देश को आगे ले जाने की सोच के साथ सपना भगत सिंह जी का था उस सपने को हम और मजबूती से आगे ले। पिछले दिनों बरसात हुई, नुकसान हुआ, फतेहाबाद जिले के कई गांव जलमग्न हैं, अभी भी दो जगह पानी है, भुन्ना और भुन्ना के साथ दैमन गांव में, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कैंप करे हुए हैं, पानी को पंप आउट किया जा रहा है क्योंकि दोनों इरीगेशन कनाल्स पूरी थी तो वहाँ पर ऑल्टरनेटिव कोई ड्रेन तो थी नहीं जिसमें पानी पंप किया जाए। इरीगेशन कनाल्स को खाली कराया गया है, पंप्स के माध्यम से वहाँ पर एडिशनल मोटर्स भिजवाई गई है कि पंपिंग हो। इवन कमिश्नर हिसार को भी साइट पे भेजा गया है और मैं मानता हूँ कि आने वाले घंटों में हम वहाँ से पानी को पूरी तौर पर हटा पाए। बिल्कुल, जहाँ क्षतिपूर्ति पोर्टल हरियाणा सरकार ने बना दिया मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर, किसी भी किसान की फसल को नुकसान हुआ है तो वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। वहीं दूसरी ओर पर आने वाले दिनों में सारे हरियाणा से रिपोर्ट हमने तलब करी है, स्पेशल गिरदावरी की जरूरत पड़ी तो उसको भी समय अनुसार हम। तो क्या लगता है आपको, क्या मायने है, क्या कुछ असर? मैं तो इतना बोल सकता हूँ तीसरे मोर्चे की भी बात करेंगी और फिर कांग्रेस को उसमें डालने की बात करेगी तो आज दूसरा मोर्चा ही खत्म हो जाएगा तो तीसरा मोर्चा कैसे खड़ा हो। आज तो उन लोगों को अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा कि असली उनकी सोच क्या है और वो चाहते क्या। हम तो क्लियर कि प्रदेश उन्नति प्रगति के पथ पर चले और ये सरकार उस पर